हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 100 नए सैनिक स्कूल्स के इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा क्या नोटिफिकेशन आया है 100 नए सैनिक स्कूल्स के बारे में। इन सैनिक स्कूल्स में एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, कब से इन सैनिक स्कूल में हम एडमिशन ले सकेंगे, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप 100 नए सैनिक स्कूल्स में कैसे एडमिशन ले पाएंगे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से अक्सर मिलती रहे। और हमारे इंस्टा आईडी सोशल एजुकेशन 9 को भी ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, देश में 100 नए सैनिक स्कूल्स का बजट बहुत ही पहले पास हो गया था, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पास कर रही थी, तब 100 नए सैनिक स्कूल्स के बजट के बारे में भी बताया था। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन्हीं 100 न्यू सैनिक स्कूल्स के बारे में कुछ अपडेट दिए हैं कि सैनिक स्कूल्स में एडमिशन आप कब से ले सकेंगे, कितने बच्चों को एडमिशन में लिया जाएगा, इन सैनिक स्कूल्स में कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा और किस क्लास में एडमिशन होगा, क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया है। तो चलिए मैं आपको एक साइट पर लेकर के चलता हूँ और वहाँ से आपको पूरी जानकारी देता हूँ। दोस्तों, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है द हिंदू का, जो कि न्यूज़पेपर है। यह करंट अफेयर्स को डील करता है, आप कह सकते हैं कि यह एक समाचार पत्र है द हिंदू। समाचार पत्र मतलब कि ये न्यूज़पेपर है, उसी का ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर न्यूज़ मिलते रहते हैं। तो इस वेबसाइट को आप जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू एडमिट स्टूडेंट्स फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2022-2023। मतलब कि सैनिक स्कूल ने, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि एकेडमिक ईयर 2022-23 से ही, या मतलब कि 2022-23 से ही, इसी साल से क्या हो जाएंगे, इन 100 नए सैनिक स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो अब आप यह सोच रहे होंगे कि 100 नए सैनिक स्कूल्स में एडमिशन शुरू हो जाएंगे इस साल से, तो स्कूल तो बने नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ का नोटिफिकेशन जो है अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी नहीं किया है। हाँ, ये बताया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इन्हीं को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और हर स्टेट में खुद के सैनिक स्कूल्स जो हैं और खुल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लियरली इस लाइन में लिखा हुआ है कि बिगिनिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-2023 अप्रॉक्सीमेटली 5,000 स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव एडमिशन इन क्लास 6। मतलब कि ये जो 100 नए सैनिक स्कूल खुलेंगे, 100 न्यू सैनिक स्कूल जो ओपन होंगे, इसमें तकरीबन 5,000 बच्चों के जो सीट्स हैं वो रहेंगे। मीन्स 5,000 बच्चे इन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं। और किस क्लास में, तो क्लास सिक्स में। क्लास 9 का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्लास 6 का जो नोटिफिकेशन है उन्होंने रिलीज किया है। क्लास 9 के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आगे जो आता है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लास 6 के बच्चों के लिए 5,000 सीट्स हैं। और इसको और नीचे करते हैं तो यहाँ पर और भी आपको जानकारी मिलेंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो 100 नए सैनिक स्कूल जो खुल रहे हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर स्कूल्स जो हैं वो खोले जाएंगे। ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में नहीं आएगा। ये जो
33 सैनिक स्कूल्स हैं जो कि अभी चल रहे हैं, इनमें एंट्रेंस जो हो रहा है ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में है, लेकिन ये जो 100 नए सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं रहेगा। फ्रेंड्स आप यहाँ पर और देख सकते हैं कि ये जो 100 न्यू सैनिक स्कूल्स हैं वो सैनिक स्कूल सोसाइटी से ही अफिलिएटेड रहेगा, वो सैनिक स्कूल सोसाइटी से ही अफिलिएटेड रहेगा, और इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम ही रहेगा जो अभी 33 सैनिक स्कूल से इनके कंपैरिजन में। थोड़ा सा इनसे जो है वो फी हाई हो सकता है, मींस ज़्यादा हो सकता है इनका फी, क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल्स हो जाएंगे। ये जो अभी 33 सैनिक स्कूल चल रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल उनको हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्टली कंट्रोल में आते हैं, लेकिन ये जो 100 नए सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में नहीं रहेगा, इसलिए ये प्राइवेट स्कूल ही बोले जाएंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर स्कूल खोला जा रहा है, इसे NGO, ये NGO मींस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये 100 नए सैनिक स्कूल्स खोले जाएंगे। प्राइवेट स्कूल ही, वैसे प्राइवेट स्कूल जो सैनिक स्कूल्स की फैसिलिटीज़ को पूरी करेंगे, उन प्राइवेट स्कूल्स को सैनिक स्कूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और भी आप यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशंस को देख सकते हैं, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि वन रिटायर्ड सर्विस ऑफिसर विल बी एसोसिएटेड विद द स्कूल मैनेजमेंट एंड एक्स सर्विसमैन विल बी एसोसिएटेड टू कंडक्ट ड्रिल एंड पीटी एंड गेम्स अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स। मींस जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या कहा है कि एक रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, जो अभी के 33 करेंट सैनिक स्कूल जो 33 हैं उनमें जो प्रिंसिपल हैं वो जो कर्नल हैं, वो कर्नल सारे ही सैनिक स्कूल्स के प्रिंसिपल कर्नल हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल हैं, तो ये अभी सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में। और इनका क्या रहेगा 100 न्यू सैनिक स्कूल्स में, कौन इनका मैनेजिंग कौन करेगा, तो जो रिटायर हो गए हैं वो वैसे रिटायर सर्विस ऑफिसर इनके मैनेजमेंट करेंगे, और जो पीटी करवाएंगे, जो भी पीटी करवाएंगे वो JCO या OR से रिटायर हो जाएंगे, वैसे ऑफिसर्स जो हैं यहाँ इन स्कूल्स में पीटी करवाएंगे, और जो ऑफिसर्स यानी कि कर्नल से या लेफ्टिनेंट कर्नल से, ब्रिगेडियर से या जो भी उनका पोस्ट है ऑफिसर लेवल का पोस्ट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, तो इन सारे पोस्ट से जो ऑफिसर रिटायर हो जाएंगे वो इन स्कूल्स के मैनेजमेंट को संभालेंगे। तो इस लाइन में ये यही मतलब निकलता है। और इस सैनिक स्कूल्स का एक और भी फैसिलिटी है कि इन सैनिक स्कूल में बोर्डिंग फैसिलिटी तो है ही, जैसे कि आप चाहें तो हॉस्टल में रह भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हॉस्टल में ना भी रह सकते हैं, आप बाहर से ही उन स्कूल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या हुआ कि 10 घंटे उस स्कूल में आपको एंगेज रहना होगा, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में करवाई जाएंगी उनमें आपको शामिल होना होगा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं स्पोर्ट्स, क्योंकि सैनिक स्कूल में सिर्फ पढ़ाई ही मतलब नहीं रखता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आपको स्कूल में 10 घंटा टाइम देना होगा, चाहे आप बाहर से हों या चाहे आप हॉस्टल से हैं। आप इस लाइन में देख सकते हैं कि बोर्डिंग फैसिलिटी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स, एंड बोर्डिंग फैसिलिटी मीन्स कि हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए, वो बाहर से भी डेली के 10 घंटे रूटीन को, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेली के 10 घंटे रूटीन्स को वो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे स्कूल में, और साथ ही हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनको पार्टिसिपेट करवाया जाएगा, उनको करना होगा। और स्कूल्स के पास क्या होगा, द स्कूल should have adequate infrastructure in terms of land, buildings, sports facilities and should follow a standard common uniform which will be prescribed by society, the official said. Means ये line क्या कहता है कि जो schools होंगे उनमें sufficient क्या होगा, land होगा, मतलब कि school जो है वो जितना चाहिए उतना बड़ा होगा, उसका building वैसा होगा, sports facilities जो हैं, खेल कूद की सुविधाएँ होंगी,
और एक कॉमन यूनिफॉर्म होगा जो सोसाइटी जो है वो जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो जारी करेगा कि कैसा यूनिफॉर्म इन स्कूल्स के बच्चों का होगा। तो वो यूनिफॉर्म जो है इनको पहनना होगा। तो ये सारे नोटिफिकेशंस जो है वो सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किया है ये सारी जो भी नोटिफिकेशंस हैं। लेकिन इनका जो अभी ऑफिशियल वेब पोर्टल है वो अभी जो खुला नहीं है, वो अभी अनलॉक्ड है, और ये जब भी खुलता है तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप उस वीडियो को आसानी से देख सकें और आप भी अपना उसमें फॉर्म भर सकें। फ्रेंड्स, इसका फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरा जाएगा। डायरेक्टली आप साइट पे इसके ऑफिशियल साइट पे जाइएगा और वहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी 100 न्यू सैनिक स्कूल्स की। तो अभी तक आपको मैं बता दूं कि क्लास 6 के लिए ही नोटिफिकेशन आया है। क्लास 6 का कंफर्म है कि क्लास 6 में इन सैनिक स्कूल्स में एडमिशन होगा, और क्लास 9 का अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और ये जो 100 नए सैनिक स्कूल्स हैं ये प्राइवेट स्कूल्स ही होंगे। मैं अभी तक जो बताया हूँ उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि नए 100 सैनिक स्कूल्स हैं और जो अभी के 33 सैनिक स्कूल्स हैं इनमें क्या अंतर होगा। तो जो पहले के यानी कि अभी जो करेंटली 33 सैनिक स्कूल्स हैं इनमें जो प्रिंसिपल्स हैं यानी कि जो इनके मैनेजमेंट हैं वो अभी के करेंटली सर्विसमैन हैं आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। यानी कि इन तीनों के जो अभी सर्व कर रहे हैं वही मैनेजमेंट हैं इन सैनिक स्कूल्स के। जबकि इन जो 100 नए सैनिक स्कूल्स खुलेंगे इनमें जो भी मैनेजर होगा, जो भी मैनेजमेंट होगा, तो ये रिटायर्ड ऑफिसर होंगे। इनके प्रिंसिपल्स रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे। जो भी ऑफिसर्स पोस्ट है, लेफ्टिनेंट्स ऑफिसर्स पोस्ट है, स्टार्ट होता है, तो ये रिटायर्ड ऑफिसर होंगे इन 100 नए सैनिक स्कूल्स के प्रिंसिपल। जबकि जो 33 सैनिक स्कूल हैं इनके जो प्रिंसिपल हैं वो रिटायर्ड नहीं हैं, वो अभी करंटली सर्व करते हैं तीनों फोर्सेस में किसी एक में। तो ये अंतर हो गया कि 33 जो सैनिक स्कूल हैं इनमें जो सर्व कर रहे हैं वो होंगे प्रिंसिपल, और जो 100 नए सैनिक स्कूल हैं इनमें जो रिटायर हो गए हैं वो ऑफिसर्स प्रिंसिपल बनेंगे। और जो 33 सैनिक स्कूल हैं इनमें हॉस्टल फैसिलिटी आपको मैंडेटरी है, आपको सैनिक स्कूल के अंदर ही रहना होगा। जबकि 100 नए सैनिक स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी मैंडेटरी नहीं है। आप स्कूल के बाहर से भी स्कूल में आ सकते हैं, लेकिन आपको 10 घंटे स्कूल में टाइम देना होगा। स्कूल के सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, सारे स्पोर्ट्स को आपको अटेंड करना होगा। सैनिक स्कूल में पढ़ाई ही नहीं, इसके अलावा और भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो एक ये अंतर हो गया दोनों स्कूल में। 100 नए सैनिक स्कूल्स में अभी तक क्लास 6 के लिए ही नोटिफिकेशन आया है, 9th के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इनका जो एडमिशन है वो अगले साल से, यानी कि अगले साल से नहीं, इसी साल से 2022-23 सेशन से ही शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में देखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप जान गए होंगे 100 नए सैनिक स्कूल्स के नोटिफिकेशंस के बारे में और इनमें कब से एडमिशन लिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट के साथ।